Yesterday, we talked about two school of thought and we come to know that what was the Indian education system and two group of people, two sectors, Orientalist and Anglicist, who wanted to impart education in India in their own way. Now we'll read about Orientalist. Yesterday I saw in the film the photo of William Jones. He was Orientalist and Lord Macaulay was Anglicist. Orientalist कौन थे बताया भी था तो मैंने कि वो लोग थे जो इष्ट की तरह से विचारधारा तो मानने वाले थे और उनका मानना था कि इंडिया की भाषा में ही पढ़ाई शुरू की जाए, इनकी कल्चर को डेवलप किया जाए. विलियम जोन्स पहला आदमी है हु बिलीव्ड इन द ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट. अराइव्ड इन इंडिया 1783 में आए थे. ये 1783 में ही इंडिया में आए थे, यानी कि जब इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1772 में आए हैं. देखिए उनकी 10-11 साल बाद विलियम जोन्स यहाँ पे आए हैं. एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता. और ये सुप्रीम कोर्ट उस समय कोलकाता में था. जब हम लास्ट लेसन में पढ़ा सिविक्स में हमने कि सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है. हाँ आज है हमारे पास दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हमारा है, लेकिन ब्रिटिश के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता में था और वहाँ पर ये जज बन के आए थे विलियम जोन्स. ठीक है. ही हैड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट. और उनके मन में इंडिया का भी और वेस्ट कंट्री यानी यूरोप के लिए यूरोप के जो कल्चर थे उन दोनों के लिए उनके मन में रेस्पेक्ट था, दोनों को मानते भी थे वो. ही रियलाइज दैट इंडिया हैड मच टू ऑफर टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड द आर्ट्स. वो ये भी माने कि इंडिया के पास बहुत कुछ है दुनिया को दिखाने के लिए साइंस और आर्ट्स के क्षेत्र में. अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड इट नीडेड टू बी रिवाइव्ड. उन्होंने भी माना कि समय के साथ जो इंडिया का ग्लोरी है, जो इंडिया का पहचान है, जो चमक है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसको हम फिर से ला सकते हैं. यानी भारत के संस्कृति, भारत का शिक्षा, भारत का विज्ञान, उस सब के वो कायल थे, उसको मानते थे. और उनका मानना ये भी था कि भारत ने अपना जो पहचान खो दिया है उसको फिर से वापस पुनर्जीवित करना चाहिए, ये मानना था विलियम जोन्स का. ए लॉन्ग एंड टायरलेस एफर्ट वॉज मेड टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर एंड कल्चर. फिर बाद में उन्होंने बहुत कोशिश किया कि जो हमारा ओरिएंटल कल्चर है, ओरिएंटल मतलब ईस्ट साइड वाला, जो बताया आप तो मैंने कि दुनिया में वे यूरोप के लिए ईस्ट साइड जो कंट्री थी, यूरोप की जो ईस्ट में थी वो उसको लोग ओरिएंट कंट्रीज बोलते थे. ओरिएंट यानी ईस्ट साइड वाला, लिटरेचर और कल्चर को डेवलप करने के लिए, यानी हमारा साहित्य और हमारा संस्कार संस्कृति. ही डिस्कस दिस विद हिज कलीग एंड अलोंग विद हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनियल हेलहेड. देखो दो नाम और मिले आपको यहाँ पे, यानी ये दोनों भी क्या हो जाए ओरिएंटलिस्ट. तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेलहेड नाम समझ में आएगा आपको. हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेलहेड ये इनके कलीग थे, जिससे विलियम जोन्स थे. दे फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन अर्ली 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन किया. इन तीनों ने मिलके, जो तीनों ओरिएंटलिस्ट थे, दे स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स. उन्होंने जर्नल यानी एक तरह का जिसको बोलते हैं पेपर नुमा छापना, एक किताब टाइप में पतला सा मैगजीन टाइप में, उन्होंने एशियाटिक रिसर्च नाम का एक जर्नल स्टार्ट किया. ही सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी विद द एम्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए सेंटर फॉर एशियन स्टडीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग कंसर्निंग मैन एंड नेचर ऑफ द कॉन्टिनेंट. इट मार्क द रिस्टोरेशन ऑफ एंशियंट लर्निंग इन एंड अबाउट इंडिया.
और एशियाटिक सोसाइटी में उनका जो एस्टेब्लिशमेंट था, उसको एस्टेब्लिश करने का जो मेन एम था कि एशियन स्टडीज करेंगे, जिसमें मनुष्य और प्रकृति का आपस में जो तालमेल है, और साथ में जो पुराना प्राचीन हमारा जो लिखाई पढ़ाई, प्राचीन जो हमारी शिक्षा थी, उसको फिर से वापस रिस्टोर करना, फिर से वापस लाना, ये उनका मेन एम था। यानी अगर बहुत सिंपल सी भाषा में बोला जाए, बहुत सिंपल सी भाषा में, तो ओरिएंटलिस्ट पीपल जो थे, जो ओरिएंट थिंकिंग पीपल थे, वो भारत के मित्र थे बोल सकते हैं आप, जो भारत का भला चाहते थे, भारत के संस्कारों का और भारत के शिक्षा सिस्टम का, भारत के इतिहास का, भारत के परंपराओं का वे लोग सपोर्टर थे। मतलब हमारे मित्र अगर बोला जाए, जो हमारे लिए अच्छा सोचने लगे कि हमारे इतिहास को जाना जाए, हमारे पास्ट को फिर से वापस ग्लोरी में लाया जाए, वो थे ओरिएंटलिस्ट पीपल। और उसमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस टोलब्रुक एंड नेथनियल हैलहट। ठीक है, जोन्स रियलाइज दैट इट वॉज द ईस्ट विच हेल्ड द सीक्रेट ऑफ अर्ली हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, एंड दैट अनलेस द ईस्ट वॉज नोन एंड अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स कुड नॉट बी रिटन। विलियम जोन्स, यही इन्होंने रियलाइज किया था कि जो कुछ है वो इतिहास में पूर्व में ज़्यादा मिल, पूर्व मतलब इंडिया पार्ट हो गया, कि जो हमारा पुराना इतिहास है, मनुष्य का जो इतिहास, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही थी, यानी जो हमारी मानवता का जो इतिहास है वो ईस्ट में है, सारी सभ्यता जो ह्यूमन की है वो ईस्ट में ही मिलेगी। और जब तक ये ईस्ट को अच्छी तरह हम जान के समझ नहीं पाएंगे, तब तक बाहर मानवता का इतिहास लिखना पॉसिबल नहीं है, इतना तक मानना था विलियम जोन्स का। ही डिक्लेयर्ड दैट द संस्कृत लैंग्वेज इज ऑफ वंडरफुल स्ट्रक्चर, बेटर देन ग्रीक एंड मोर एलेबोरेट देन लैटिन। देखो कितना अच्छा उन्होंने बताया, कितनी तो मस्त लाइन देखी यहाँ पे। ही डिक्लेयर्ड दैट द संस्कृत लैंग्वेज इज ऑफ वंडरफुल स्ट्रक्चर, बेटर देन ग्रीक एंड मोर एलेबोरेट देन लैटिन। ग्रीक भाषा कहाँ की है? यूरोप साइड की भाषा है ग्रीक लैंग्वेज। लैटिन भाषा कहाँ की है? वहीं की है। पता ना, जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भाषा जो है वो कहाँ से आई है? लैटिन से आई है। और स्क्रिप्ट कौन सा है? रोमन स्क्रिप्ट है। तो उनका मानना था कि संस्कृत भाषा ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा उसका बनावट जो ढांचा जो सिस्टम है उसमें, जो उसके व्याकरण वगैरह जो हैं, वो ज़्यादा अच्छे और बेटर हैं ग्रीक और लैटिन के मुकाबले, और बहुत बृहत यानी बहुत बड़ा भी है वो लैटिन के मुकाबले और ग्रीक के मुकाबले। ये मानना था किसका? विलियम जोन्स का। ठीक है, ये सनराइज हो रहा ना, अर्ली मॉर्निंग 8:05 हो रहा है। सॉरी। सो दिस लेड टू द स्टडी ऑफ इंडियन, अच्छा हाँ जी, फिर ही ट्रांसलेटेड मैनी इंडियन बुक्स इंटू इंग्लिश, उन्होंने बहुत सारी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दिस लेड टू द स्टडी ऑफ इंडियन ड्रामेटिक लिटरेचर एंड माइथोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो भारत का साहित्य था और जो हमारा शास्त्र था, वो सब दुनिया में पढ़ा जाने लगा जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। फर्दर ही ऑल्सो इंकरेज द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय इंडियंस themselves and as he believed it would help them to रिस्कवर their glorious past and to advance। और उन्होंने ये भी बताया लोगों को, तो इंटरेस्ट किया कि उनको हिम्मत बढ़ाई थी, आप लोग अपना जो इतिहास है उसको पढ़िए, क्योंकि तुम्हारा जो पास्ट है, तुम्हारा जो अतीत है, वो बहुत ही ग्लोरियस है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल बिलीव दैट ब्रिटिश नीडेड टू प्रमोट इंडियन रैदर देन वेस्टर्न लर्निंग। और इसके प्रभाव में आके बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिसर थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने माना कि हमें भारत के इतिहास को, भारत के कल्चर को, भारत की शिक्षा को पढ़ाना चाहिए, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। वारन हेस्टिंग्स, नाम पढ़ा था मैंने आपको ना, फर्स्ट वारन हेस्टिंग्स कौन हुए? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, जो लिखा भी है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Also approved of the this idea and founded the Calcutta Madrasa for Egyptian Muslim in Islamic law, and Duncan founded the Sanskrit College in Banaras to encourage the study of Sanskrit text and to understand their language and literature. Calcutta में मदरसा की स्थापना कौन किया? अप्रूव कौन दिया? वारन हेस्टिंग ने, इस्लामिक लॉ पढ़ाने लिए।
और डंकन तो नया नाम मिला यहाँ पे, डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में कि वहाँ संस्कृत तेज की पढ़ाई होगी और समझा जाएगा यहाँ की भाषा और यहाँ के साहित्य को। तो इस तरह से सोच है ये ओरिएंटलिस्ट पीपल की, जिन्होंने इंडियन लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कंपेयरिंग टू वेस्टर्न लर्निंग। तो ये तो हो गए ओरिएंटलिस्ट। अब जो बाकी एंग्लिशिस्ट हैं इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर टुडे।